श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों आपको याद होगा और हम भी भूले नहीं हैं, हर महीने दूसरे महीने खबरें आया करती थी रेलवे दुर्घटनाओं की। सरकारें बदल जाती थी, सरकारों के रेल मंत्री बदल जाते थे, लेकिन रेल दुर्घटनाएं बराबर होती रहती थी। यह पिछले 70-80 सालों का रिकॉर्ड है जिसके बारे में आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन पिछले 7-8 सालों में मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किया है। मोदी जी के प्रयासों के परिणाम अब दिख रहे हैं आंकड़ों में। साल 2016-17 में जहां भारत में हुए थे 104 रेलवे एक्सीडेंट, वहीं 2020-21 में वह घटकर हो गए हैं मात्र 22। इस प्रकार पिछले 6-7 सालों में हम 104 से घटकर 22 के लेवल पर आ गए। क्योंकि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या घटी है, इसलिए उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। यहाँ तक कि साल 2019 से साल 2021 के बीच में रेलवे दुर्घटनाओं में एक भी व्यक्ति ने जान नहीं गंवाई। अब आप में से दोस्तों कुछ लोगों का कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि 2020-2021 में तो कोरोना वायरस का संक्रमण था, रेलवे यात्राएं लगभग रुकी रही, इसलिए उस दौरान यदि कोई मौत नहीं हुई तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों साल 2019-20 में तो रेल यात्राएं बराबर चलती रही थी, इसलिए यदि उस अवधि में किसी भी व्यक्ति ने जान नहीं गंवाई तो वह दिखाता है रेलवे सुरक्षा का बढ़ता हुआ स्तर। रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या या उनमें मरने वाले लोगों की तादाद, इन दोनों आंकड़ों को हम साइड में रखते हैं। यदि हम फाइनेंशियल लॉस की दृष्टि से देखें तो पिछले 5 सालों में भारत ने बचत की है 33 करोड़ रुपए की। अगर दुर्घटनाएं होती रेलवे में तो यह 33 करोड़ रुपए हम नहीं बचा पाते। आम अनुभव की बात है दोस्तों, पैसा बचाना भी पैसा कमाने जैसा होता है। इसलिए रेलवे दुर्घटनाओं के ना होने से भारत ने जो 33 करोड़ रुपए बचाए हैं उनका इस्तेमाल अन्य प्रोडक्टिव कार्यों में किया गया है। यह सब दोस्तों इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को एक मिशन समझा है। पिछले की सरकारों की तरह रेलवे सुरक्षा मोदी सरकार के लिए बातें नहीं है जिसे बातों में भुला दिया जाता था। मोदी सरकार ने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए जिनका परिणाम आज हमें दिखता है बढ़ी हुई रेलवे सुरक्षा के रूप में। और मोदी सरकार का यह जो काम है वह हम सभी को प्रभावित करता है क्योंकि हम सभी कभी ना कभी रेलवे यात्रा तो करते ही करते हैं। अब यदि कोई रेलवे दुर्घटना होती तो पूरी मीडिया उसे कवर करती, लेकिन अब चूंकि रेलवे दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं तो किसी के पास समय नहीं है कि वह मोदी सरकार को इसका श्रेय दे। लेकिन दोस्तों आपके लिए हम इस तरह के पॉजिटिव डेवलपमेंट को हमेशा कवर करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।